हॅलो मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं तुमच्या आपल्या चॅनल ऑरेंज सिटी एके मध्ये। आज मी आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे एक मॅरेज सिरीजचा जे व्हिडिओज आपण सुरू केले होते त्याचा शेवटचा व्हिडिओ। रिसेप्शनचा व्हिडिओ आहे हा, हा शेवटचा व्हिडिओ असेल। याच्यानंतर नवीन नवीन व्हिडिओज आपल्यासाठी येतच राहतील। तुम्हाला कोणत्या सब्जेक्टवर व्हिडिओ पाहायला आवडेल ते मला खाली कॉमेंट्समध्ये कॉमेंट्स करून सांगा। आणि पाहूया आता कोणते नवीन सब्जेक्ट सुचत आहेत मला, त्याच्यावर आपण व्हिडिओज बनवू। मला अजून एक सांगायचं होतं आपल्याला की आपलं जे चॅनल आहे ऑरेंज सिटी एके, याला तुम्ही सबस्क्राईब करा जास्तीत जास्त। म्हणजे व्हिडिओ तर पहाच, पण सबस्क्राईब केलं तर मला सुद्धा हुरूप होईल नवीन नवीन व्हिडिओज तुमच्यासाठी बनवायला। ओके, ते घंटीचं जे बटन येतं ना त्याला प्रेस करा, म्हणजे सबस्क्राईब करा। ओके, थँक्यू। चला तर पाहूया व्हिडिओ। अभी हम ऐसे जगह आए हैं, एक नए मेहमान से आप लोग को मिलाता हूँ। ये हमारे वसीम भाई, जो अपने दूल्हे का जो आप ग्लो जितना भी देख रहे हैं ना फेस का, ये सब उन्हीं की करामात है। बहुत मेहनत ले रहे हैं हमारे भाई। चलिए वसीम भाई से पूछते हैं कि कैसा रहा उनका शादी का जर्नी, अतुल भाई के शादी की जर्नी। बोलिए। हमारे भाई तो बहुत खास थे हमारे लिए। हमारी की शादी की प्लानिंग हमारी एक साथ चल रही थी। और अच्छा। भाई की जो चेहरे पे आप ग्लो देख रहे हैं, ये ग्लो की मेहनत हमने एक महीने से कर रहे हैं। अच्छा। और भाई हमारे खास थे इसलिए हमने ज्यादा ध्यान दिया भाई के काम में। देखिए दोस्तों, इसमें पैसे की बात नहीं है। वसीम भाई अतुल के दोस्त जैसे ही है, और वसीम भाई आर्टिस्ट तो है, और जो भी आप देख रहे हैं इनमें, जो भी आप चेंजेस देख रहे हैं हमारे अतुल में, वो सब इन्हीं की बदौलत है। तो देखते हैं अभी कैसा ग्लो रहता है, और लोग तारीफ करते हैं बट मैं सोच रहा हूँ कि तारीफ ही करेंगे। तो चलिए वसीम भाई, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। ब्लॉग बनाया मनोज सर को तो आप पहचानते हैं। मनोज सर आए हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बड़ा कौन है सर? अतुल तो हमारा साथी था, तो उसके साथ उठना बैठना था, इस करके यहाँ आना तो अनिवार्य है हमारे लिए। हम शादी अटेंड नहीं कर पाए, इसके लिए हमें बेहद दुख और प्रकट कर। नहीं सर, नहीं, आप यहाँ आए हमको उसी लिए खुशी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभिलाषा, अब तू कुछ कहना चाहेगी अतुल को? नहीं, कांग्रेचुलेशन, बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। और हमारे सब लोगों को अभिलाषा ने बहुत हेल्प की है आज सजाने में। और सबको मेहंदी और सबको अभिलाषा ने ही निकाल के दी है। थैंक यू। हाँ, इसने भी हेल्प की है, दोनों का थैंक यू। हाँ, अभी बताओ ना जी, जो आंटी जी, आप अतुल को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत हैंडसम दिख रहा है, और उससे ज्यादा हैंडसम उसकी बीवी दिख रही है। और हम दोनों मियां बीवी कैसे दिख रहे हैं?
धन्यवाद आंटी जी, आप आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मुरली भाऊ अतुलला खूप होप होती की मुरली भाऊ आणि लाल भैया शादी में जरूर आएंगे करके। बिल्कुल आए लाल भैया, बिल्कुल बोलना चाहिए। आना ही आना है भाई की शादी थी तो जरूर, क्यों नहीं आएंगे यार। और उसको शादी के बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे? शादी के बारे में टिप्स क्या देना है, सामने वाला अपने आप से सब सीख जाता है। अच्छा, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस। और ये ऐसा टाइम है, ऐसा दौर है। सुमित भैया आ गए अभी, अभी ये सबसे बड़ा ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो बसता है, जो ना खाए वो बस ना खा के बसता है। अतुल रावण ना तुम्ही काही संदेश? भावी भविष्याच्या शुभेच्छा। अच्छा, आमच्याकडनं एकदम हार्दिक शुभेच्छा। आज दीपाली सुंदर दिसते, काय आहे ना प्रवीणराव? हा पण आता आज तुम्ही एवढी तारीफ करताय ना म्हणून मला गुजबंब आले। अबे तू पण आहे का, मला दिसलीच नाही तू, ते मास्क खाली कर। आंटीला काही म्हण, तुम्ही खूप सुंदर सच में। खूप खूप धन्यवाद आल्याबद्दल। तुला मालूम था मैं तो आने वाला था। नहीं आप आए होते ये गॅरंटी आहे। तुम्हाला धन्यवाद, आम्ही येणारच हो ना। अच्छा, पण मी हे बघितलं कोरोना मध्ये फॅमिली मध्ये कपल मध्ये एक बोर्ड असतो, आमच्या बाराजणी मध्ये तर बघितलं। और ये है आज का सुपर हिट जोड़ा आके ब्यूटीफुल कपल ऑफ द ईयर सचिन एंड सोनाली। पोर्ट्रेट ले तो। अरे यार लाइट आ रहा है। ए यार लाइट आज के फंक्शन के एकदम सेंटर ऑफ क्या बोलते थे अट्रैक्शन। हाँ ये दो ब्यूटी क्वीन है हमारी, सोनाली और दीपाली। रुक असं मागे मागे अशी। अरे रुको ना, फिर उधर देखो आणि हे आहेत आमचे कैलाश राव आणि वहिनी। आणि ह्या हा जो मेकओव्हर दिसतोय तुम्हाला हा आहे फक्त ह्या दोघांची करामत। आणि आज जेवढे भाव खातायत हे आणि जे मागे उभे राहून दिसतायत ना ते, हा ह्या दोघींचा जेवढेही कॉमेंट्स किंवा कॉम्प्लिमेंट्स मिळाले त्यांचे खरे हकदार आहेत हे फक्त हे दोघे। तुम्ही काही म्हणाल? मी म्हणेल, मी म्हणेल की हे तसेही नॅचरल स्मार्ट आहेत, सुंदर आहेत, फक्त मी असा जस्ट टच केलेला आहे आणि तो सफल झालेला आहे। थँक्यू, तुमचा हात असाच आमच्यावर राहू द्या। चला आणि आहेत हे हबीब चे स्टुडंट आमचे जुने आणि नागपुरातले फेमस जावेद हबीब चे। हा कैलाश सर तुम्ही काही म्हणाल? थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। ये हमारे मोहम्मद सलीम भाई, ये सब इसका लॉन का देखते हैं। और ये जो हम टेस्टी खाना जो खा रहे हैं, और दिल से बोल रहा हूँ कि खाना बहुत टेस्टी है, बाकी जो भी इश्यूज हैं वो नो डाउट वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, बट खाना बहुत अच्छा है, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। और तिवारी जी होंगे तो उनको भेज दो, मेरे को उनकी भी तारीफ करना है, उन्होंने अच्छे बनाया है। तिवारी जी ये हमारे तिवारी जी,
आज जो मैं बोल रहा हूँ और भाईजान को भी बोला कि खाना जो बनाए, जो भी अपने इश्यूज हुए वो अलग बात है, लेकिन खाना दिल से अच्छा बनाए उन्होंने। स्नैक्स और फूड की क्वालिटी देख रहा हूँ बहुत अच्छी है, नो डाउट। तिवारी जी, खाना अपने दिल से बना, दिल से खिलाए, इसलिए शायद अच्छा लग रहा है। बहुत कम जगह मैं खाने की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैंने बुला के बोला उनको कि तिवारी को भेजो, उन्होंने खाना सही बात। ठीक है, हल्दीराम से भी बेस्ट आपके क्रिस्पी वेज बनाए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। वाह, तुम तो सही में बहुत सुंदर लग रही हो। खाना कैसा है आज? मजे की भी शाम को? और इसमें मजे में मेरा कोई हाथ है क्या? बाबा बहुत सारा हाथ है, बड़ा। कितना बड़ा? अभी खाना खा लेते हैं, बंद करते हैं। नहीं नहीं, मैडम आज सही में सुंदर दिख रही है। सोनू को पूछो, सोनू को। हे आज तुली हॉटेल मैनेजमेंट कॉलेज है ना, तिथे शिकतात सगळी मुलं। आज तुझा तू भी ये है हमारा बंदा रॉक स्टार। ये ऐसे इंगोले अशी मेहनत करायची, खूप सॉफ्ट स्पोकन पर्सन आहे। तूही चांगला आहे, नो डाऊट। कधी कधी होतं पण टेन्शन घरी ठेवून यायचं जेव्हा आपण काम करतो ना। काय नाव आहे तुझं? अंकिता, हर्ष, मयुरी, राखी, अक्षय, सौरव, रोहन। सगळे मुलं छान मेहनत करत आहेत आणि तेली व्यवस्थित, त्यांच्यापेक्षा तुम्ही चांगलं काम केलं। ओके ओके ओके, बघा। आणि आपले मुलं शांत नव्हतं, आपले मुलं क्लोज, ते आपल्या मुलांनी काहीतरी शिकण्यालायक आहे, चांगल्या घरची मुलं आहे, पण स्वतःसाठी काहीतरी काम करतो। ठीक आहे, छान काम करा, केलं तुम्ही असंच करत राहा। बघा, ठंडी नहीं है।
चलो चलो ठीक है हाँ मिलते हैं कहीं तरी बक्षिशी जाएगा पाजे तो मगते चलो अपन ताईकड़न वॉलेट घू मजा तिचाकड़े First love, we were young and wild, we were up on